अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए हिंदी ग्रामर का टॉपिक पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं। पर्याय, जिसका एक और अर्थ निकल जाना उसको हम कहते हैं पर्याय। वैसा का वैसा लेकिन शब्द अलग होता है। तो इस प्रकार पर्यायवाची शब्द की परिभाषा होती है कि कुछ शब्दों के अर्थ समान होते हैं। जो एक शब्द है उसका एक और अर्थ निकल सकता है, एक और शब्द बन सकता है, उसे हम समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं और पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। जैसे वृक्ष, वृक्ष को हम वृक्ष के अलावा तरु भी कह सकते हैं, पेड़ भी कह सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से और तरुवर भी कह सकते हैं, तो ये सभी कह सकते हैं। तो इस प्रकार पर्यायवाची शब्द के बहुत सारे उदाहरण हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। जैसे हम पांच छह उदाहरण देखते हैं। पुत्री, पुत्री को हम बोलते हैं सुता, आत्मजा, बेटी, ये सभी बोलते हैं। इस प्रकार से हम आग को अग्नि बोल सकते हैं और इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से चतुर को कुशल, दक्ष, निपुण बोल सकते हैं। मित्र को दोस्त बोल सकते हैं, सखा बोल सकते हैं। वन को जंगल बोल सकते हैं, कानन बोल सकते हैं और सभी को अलग अलग प्रकार से बोल सकते हैं। अग्नि, अनल, पावक, रात को रजनी बोल सकते हैं, घर को सदन, निवास। तो इसी प्रकार आपके बुक में बहुत सारे पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं। तो पर्यायवाची शब्दों का अर्थ ही होता है कि एक शब्द के और अधिक शब्द बनना और उनका अर्थ निकलना, तो ये होते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्दों की पहचान ही यही है, आपको ये याद रखने ही होते हैं। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं ये आप सभी को समझ में आया होगा, बहुत ही सरल होते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं एक अगला टॉपिक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या टॉपिक है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अर्थ क्या हुआ? आपको एक पंक्ति दे दी जाती है कि जैसे जो मर नहीं सकता, जो मर नहीं सकता। अब आपको इस पूरी पंक्ति को एक शब्द में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो जो मर नहीं सकता, इसका मतलब क्या होगा? अमर। क्या हो जाएगा? अमर। जो मर नहीं सकता वो अमर हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको पूरी पंक्ति दे दी जाती है और उसे सिर्फ उस पंक्ति से सिर्फ आपको एक शब्द का निर्माण करना होता है और वो ऐसा शब्द बनाना होता है कि वो उस पंक्ति से मेल भी खा जाए और उस पूरे पंक्ति का सार उस एक शब्द में हो, वो कहलाते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं हम। भाषा को आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए कभी कभी कई कई प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे जो बच्चों को पढ़ाए, बच्चों को कौन पढ़ाते हैं? अध्यापक। अब आपको ये सभी को पता है, तो जो बच्चों को पढ़ाए वो अध्यापक। तो यहाँ पर अध्यापक कहने से हमें कई शब्दों की जगह सिर्फ एक शब्द कहना पड़ा कि जो हमें पढ़ाता है, जो हमें अच्छा पढ़ाता है, वो ऐसा होता है जिसके हाथ में किताब होती है, वो ब्लैक बोर्ड पे लिखता है। हमको ये बढ़ा चढ़ा कर इस बात को नहीं बता करके अगर ये पंक्ति इस पूरे सार को ही आप सिर्फ उस एक शब्द में डाल दीजिए कि अध्यापक पढ़ाता है, तो बात वहीं पर समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से जो कठिनाई से मिले क्या कह सकते हैं हम उसे? दुर्लभ। जो मिलना कठिन होता है उसे हम कह सकते हैं दुर्लभ। पक्षी पकड़ने वाला, बहेलिया। इस प्रकार आपको ये पता होने चाहिए सब। जो देखा ना जा सके, अदृश्य। अनदेखा नहीं कह सकते, अदृश्य। आगे कह सकते हैं हम जिस शब्द के नीचे रेखा खींची हो, रेखांकित। रेखा अंकित, रेखांकित किया गया वाक्य। तो इस प्रकार से जो कम खर्च करता हो, मितव्ययी। जो अपना अपना सोचता है, मतलब इसका अर्थ ये होता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बहुत सारे दे रखे हैं। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। जिसकी गिनती ना हो सके, अनगिनत। जो काम से जी चुरा है, काम चोर। जो मीठा बोलता हो, मृदुभाषी। इस प्रकार से यहाँ पर आपके बहुत सारे दे रखे हैं। पढ़ने वाला पाठक, सुनने वाला श्रोता, देखने वाला दर्शक। इस प्रकार से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये इस प्रकार से बनते हैं कि आपको ये पूरी पंक्ति दे दी जाती है, उस पंक्ति का सार आपको सिर्फ एक शब्द में बताना होता है, वो शब्द आप
दिमाग में होना चाहिए। इसीलिए अनेक शब्दों को एक शब्द आपको याद रखने पड़ते हैं कि किसका क्या बन सकता है। हम मन मर्जी से कैसा भी शब्द वहां पर नहीं डाल सकते। वाक्य आपको क्या कहना चाह रहा है और आप वहां पर क्या लिखते हैं वो डिपेंड करता है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यही होता है कि आपको एक वाक्य दे दिया जाता है, उसका शब्द आपको यहाँ पर लिखना होता है। इस प्रकार से जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि, अतिथि होते हैं अतिथि मेहमान, कभी भी हमारे घर पर आ सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते वो कब आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से तो ये हो गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। धन्यवाद।